श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में नारद मुनि बताते हैं वेद व्यास जी, यस्यैव हेतु प्रियतेव कोविदु। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस मनुष्य जीवन को इस हेतु के लिए करता है, न लभ्यते तत् भ्रमता उपर्यदा। जो हेतु, जो उद्देश्य उसको ना ऊपर वाले लोकों में मिल सकता है, ना ही दूसरी योनियों में मिल सकता है, ना ही नीचे वाले लोकों की योनियों में मिल सकता है। बाकी जो जो भौतिक समस्याओं का समाधान है, आहार निद्रा वैद्य तल्लभ्यते, जो कुछ आपकी भाग्य का है, जो कुछ आपको जो सुविधाएं मिलनी है, जो सुख मिलना है, जो भोजन मिलना है, तल्लभ्यते दुख वदन्यता सुख, वो तो दुख की तरह, जिस तरह दुख जो है बगैर किसी प्रयास के मिलता है तो सुख भी मिलेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है वो आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं बना है, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए मिला है। और समस्याएं क्या हैं? कर्म का बंधन है जिसके कारण जन्म मरण का चक्कर है, और इस कर्म बंधन को कर्म बंधन से छूट कर भगवत धाम में जाने के लिए मिला है। और वो कैसे कर पाएंगे? जब हम हर कार्य कृष्ण केंद्रित करेंगे और ईशावास्य इदम सर्वम, ईशावास्य जो कुछ भी है इस संसार में उसके स्वामी भगवान है, उसके नियंत्रण भगवान है। तो ये सिद्धांत को स्वीकार करके यदि हम करेंगे तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर अंधतामस नरक में चले जाएंगे और अपनी आत्मा का हनन करके बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे।